कला दलूर न्यू मनहला बाईपास जो सदन शाह के साथ एक खूबसूरत पहाड़ पर वाक़िया है। पहाड़ का एक रुख तवील स्लाइड पर मुश्तमिल है, इस लिहाज से ये साल्ट रेंज में अपनी नौयत का एक मुनफरद पहाड़ है। कला दलूर को दो रास्ते जाते हैं, एक रास्ता पुरानी चुंगी के पास मौजूद एक दरगाह से और दूसरा न्यू मनहला बाईपास पर मौजूद कोल माइंस के साथ। अलबत्ता पुरानी चुंगी वाला रास्ता कदरे आसान है और कला के दाखिली दरवाजे को जा मिलता है। कला के बारे में कोई मुस्तनद तारीखी मालूमात तो नहीं मिलती, लेकिन यह अपनी लोकेशन के अतबार से मलोट की तामीरात, कला कुशक और मख्याला की तामीरात का तसलसल लगता है। किस जगह पे? वो वहाँ एक और शहर है। कौन सा शहर है? नीचे देखो ना वो। ये तो हमारा ही चूहा है। नहीं वो हमारा चूहा है तो अच्छा वहाँ से घूम के ये पहाड़ आ गए। हाँ एक और सिटी वो देखो ऊपर। हाँ वो गांव है। वो गांव कपड़ों की आप घास के अंदर से कैसे जा रहे हैं? वो तो पकड़ी टांगे अब खोलो मैं टांगे। चलो अब रास्ता आ गया। मैं खतरों का खिलाड़ी बन जाऊं तो छोड़ दूंगी। मैं रास्ता आ गया। ओए क्या हुआ है? ब्रेक पैड गिरने ना डा 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 यहाँ पे लगने ना मैंने कहाँ पे मैं करो मैं बैठ रही। अब थोड़ी रेस्ट कर लो, लगता है आप थक गए हो। नहीं हाँ पहाड़ के टॉप पे एक छोटा सा मैदान भी है जिसके साथ कई मकामात पर पत्थरों से बने कमरों की बाकियात मिलती हैं।
आ जाओ। कला में दाखिल होने के लिए उस दौर में बनाई गई सीढ़ियाँ आज भी उसी तरह कायम हैं। ये टूट गया। कैसे टूटे? ये देखो इधर आके। कला का एक दरवाज़ा मशरक़ की जाना भी खुलता है, जिसे देखकर यूं लगता है कि उस दौर के राजा ने तुलुए आफ्ताब के मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इसे बनवाया होगा। इस दरवाज़े में खड़े होकर नीचे गहराई में मौजूद सब्ज़ावज़ार दिल को मोह लेते हैं। ठंडी ठंडी मजे आ रही है। कला की तामीर इसी पहाड़ के इर्द गिर्द मौजूद पत्थरों को तराश कर की गई है। इधर आओ तालाब दिखाऊं। ऊपर एक तालाब भी है जो कला कुशक पर मौजूद तालाब से मुमासलत रखता है।
तालाब में चूने से बने मसाला से लेप किया गया है, जो आज भी उसी तरह मजबूत नजर आता है। तालाब है, तालाब नीचे जाऊं क्या जगह है? ये एक पोस्ट है कोई, अगर आप शहर से इस पहाड़ को देखें तो दूर एक कुआं नमा तमीर नजर आती है। हो सकता है ये कोई चेक पोस्ट हो, क्योंकि ये दाखिली दरवाजे के बिल्कुल साथ ही वाकया है। मेरा अपना ख्याल है कि ये कोई चूने की भट्टी होगी, क्योंकि इस मकाम पर खड़ा होने से चूने से निकलने वाली गैसों जैसी स्मेल आती है। इसलिए ये मुमकिन है कि उस दौर में तमीर के लिए दरकार चूना यहाँ ही तैयार किया जाता होगा।